लद्दाख में पर्यटन महोत्सव आज से, केंद्रीय पर्यटन मंत्री करेंगे उद्घाटन, कई देशों के राजदूत भी पहुंचे। 5 दिन के बाद कोरोना से एक मरीज की हुई मौत, 35 नए मामले सामने, 86 मरीज हुए ठीक। जातिगत जनगणना के बीच भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने की मांग, कहा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मांगे माफी। हिसार से उत्तर पूर्व राज्यों के लिए पहली ट्रेन, सोमवार से चलेगी त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस, 30 अगस्त से किया जा रहा है संचालन। प्रशासनिक व्यवस्था चलाने में तालिबान के सामने आने लगी है मुश्किलें, काबुल एयरपोर्ट को चलाने में तुर्की से मांगी मदद। भाजपा सपा बसपा सरकारों की बखिया उधेड़ने की तैयारी में है कांग्रेस, बुकलेट बताएगी किसने बिगाड़ा उत्तर प्रदेश। कांग्रेस हाईकमान का हाथ अब की बार कैप्टन के साथ, सिद्धू और उनके समर्थकों के लिए खींची सियासी सीमा रेखा। एनएमपी को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र पर बोला हमला, कहा संपत्ति देश की है, भाजपा या मोदी की नहीं। गंगा के जलस्तर में 3 सेंटीमीटर की हुई बढ़ोतरी, वाराणसी में 64.30 मीटर तक पहुंचा जलस्तर, रात 8 बजे से गंगा के जलस्तर में हुआ ठहराव। दिल्ली के गैर सरकारी संगठन ने किया दावा, राम मंदिर के लिए 115 देशों से मंगवाया जल। सीमा पर कृषि कानूनों का विरोध रहा जारी, दिल्ली की सीमाओं पर 9 माह से डटे किसान, आज से 2 दिवसीय अधिवेशन। पूरी दुनिया में चल रही है मतलब की यारी, चीन पाकिस्तान बन रहे तालिबान के सगे, अमेरिका भी दे रहा पाक का पूरा साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले, जब सोनिया और राहुल कहेंगे दे दूंगा अपने पद से इस्तीफा। मुजफ्फरपुर जिले की 156 सड़कें बाढ़ में हुई क्षतिग्रस्त, डीएम प्रणब कुमार ने लंबित विकास योजनाओं की समीक्षा में शीघ्र मरम्मत कराने के दिए निर्देश। बिहार में मोतिहारी में डूबने से 2 बच्चियों की हुई मौत, गोगा चुनने के दौरान गहरे पानी में चले जाने से हुआ हादसा। लेशेंट जर्नल में प्रकाशित हुई रिपोर्ट, दुनिया भर में बीते 30 वर्षों में उच्च रक्तचाप के युवा मरीजों की संख्या हुई दोगुनी। तालिबान का खतरनाक मंसूबा, अफगान सेना से लूटे अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है तालिबान। चीन कर रहा है सबसे बड़ा सैन्य विस्तार, अमेरिकी सेना के हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र के कमांडर ने किया आगाह। बदायूं में हुआ बड़ा हादसा, नशे में धुत ट्रक चालक ने ऑटो रौंदा, मां बेटी समेत हुई 7 लोगों की मौत। बीएनएसडी शिक्षा निकेतन में गुरुवंदन कार्यक्रम में बोले बेसिक शिक्षा मंत्री, कहा बेसिक शिक्षा विभाग की हर उपलब्धि के हकदार हैं शिक्षक। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।